दादा भगवान का पत्र है। एक शेर दूध में स्टांक पानी मिला हुआ है तो मावा जल्दी बन जाएगा, पर एक शेर दूध में तीन पाव होने से मावा मुश्किल से बनेगा और बहुत अधिक आग की ज़रूरत पड़ेगी। हाउ ब्यूटीफुल ना। ऐसे ही छोटे बच्चे के मन में विषय वासना कम होने से सहज ही मन ईश्वर में मुड़ जाता है, पर बुढ़ापे में वासना पक्की होने से ईश्वर की तरफ नहीं लगता है। सूरज के निकलने के पहले मक्खन अच्छा निकलता है, जो यशोदा मैया निकालती थी ना जब कृष्ण को देना होता था, तो वो सुबह का टाइम होता था। दिन के टाइम मक्खन अच्छा नहीं निकलेगा। ऐसे ही जो बालकपन में ईश्वर अनुरागी होता है और भगवान के भजन में लीन रहता है, उनको ईश्वर अवश्य पुत्र देगा। पत्थर हजार बहते पानी में पड़ा रहे तो भी पानी उसके भीतर नहीं जाता है, पर मिट्टी का पत्थर पानी में डालने से गल जाता है। ऐसे जो विश्वासी भगत हैं वो हजारों के बोलने पर भी गुरु से विश्वास नहीं निकालते हैं, पर जो मिट्टी के पत्थर हैं वो एक दो के कहने पर ही विश्वास निकाल देता है। मेंढक के बच्चे की जब तक पूंछ होती है तब तक पानी में रहता है, पूंछ कटने के बाद सूखी जमीन और पानी दोनों में रह जाता है। ऐसे ही भगवान के चिंतन से अज्ञान रूपी अविद्या दूर हो जाती है, तभी भगवान में और लीन हो जाता है, साथ साथ संसार में विचरण करता है। वासना लेश मात्र भी होने से भगवान प्राप्त नहीं होता है। जैसे धागे में थोड़ी भी गांठ होने से सुई में डाल नहीं सकेंगे, मन जब ही वासना रहित हो गया तभी सच्चिदानंद का लाभ प्राप्त होता है। बंबर फूल पर तब तक बैठता है जब तक गुंजार पैदा ना करेगा। ग्रंथ तो ग्रंथि का काम ना करे, ग्रंथि का कही काम करते हैं। विवेक वैराग्य युक्त अंतःकरण से ग्रंथ का पाठ नहीं कर सकते हैं। शास्त्र से अहंकार रूपी गांठ पक्की हो जाती है। मनुष्य का मन तराजू के समान है, उसमें एक तरफ संसार एक तरफ भगवान है। जिसके मन में संसार का भार अधिक है उसका मन संसार की तरफ झुकता है। जिसके मन में वैराग्य विवेक और भगवत शक्ति ज्यादा है वो भगवान की तरफ झुकता है। शेर में भी भगवान है, लेकिन इसका मतलब जोरी से नहीं जाएंगे उसके सामने। ऐसे ही दुष्ट मन में परमात्मा है, पर उसका संग करना ठीक नहीं है। जैसे किसी ने मूली खाई पर उसके डकार से तो पता पड़ता है, ऐसे ही सत्पुरुषों से मिलने पर ही ज्ञान की बातें निकलेंगी, विषय मनुष्य से मिलने पर वैसी ही बातें होंगी। वृक्ष के नीचे खड़े होकर बाजा बजाने से वृक्ष पर बैठे पक्षी भाग जाएंगे। ऐसे ही हृदय में हरि ओम रूपी बाजा बैठे पक्षी भाग जाएंगे। बाजा बजेगा तो देह रूपी वृक्ष से अविद्या रूपी पक्षी उड़कर भाग जाएंगे। है ना प्यारे भगवान जी के पत्र दादा भगवान का, कितना प्यारा है, कितनी जागृता है इसमें, कितना विवेक खुलता है। आई होप हम सब के अंदर इनका थोड़ा सा भी 1% भी चला जाए तो हम लोग कितना सुधर जाए ना। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस टू ऑल।